तो नमस्कार दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग मोड़ पे हम खड़े हो गए हैं। अब देखिए कैसे मार्केट रिएक्ट करने वाली है और क्या प्राइस सेटअप बैठ रहा है, इन सब बिंदुओं पे हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये देखिए 19,225 पे खुले और फिर दिन भर रेंज बाउंड ट्रेडिंग हुआ और फिर हम 19,230 पे ही बंद हुए, यानी ओपन और हाई दोनों ऑलमोस्ट बराबरी रहा। तो अच्छी बात ये रही कि 19,230 को हम रिस्पेक्ट दिए, 97 पॉइंट निफ्टी बढ़ा, निफ्टी नेक्स्ट 50 433 पॉइंट 44,885 पे बंद हुआ, निफ्टी मिड कैप 8,896 पे 63 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, निफ्टी बैंक 43,318 पे बंद हुआ और निफ्टी फाइनेंशियल 95 पॉइंट बढ़ के 19,367 पे बंद हुआ। बढ़ने वाले शेयर्स थे सबसे ज्यादा में देखिए टाटा मोटर्स, HDFC बैंक, रिलायंस, बजाज फाइनेंस, तो ये सारे स्टॉक थे जो बढ़ने वाले थे। टाटा स्टील, टाटा मोटर, ITC, SBI, HDFC बैंक भी मामूली सपोर्ट किए। तो काफी इंटरेस्टिंग दिन था। अब क्या सेटअप बैठ रहा है, इन सब बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले समझते हैं कि अमेरिकन मार्केट का क्या हाल चल रहा है। डॉ जोन्स देखिए 222 पॉइंट बढ़ा है, S&P 40 पॉइंट बढ़ा है, नेस्टेक 184 पॉइंट बढ़ा है, 13,344 पे बंद हुआ है नेस्टेक। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग दिन, काफ़ी इंटरेस्टिंग अमेरिका से न्यूज आ रहा है, गैप अप ओपनिंग होने की आसार बहुत ज़्यादा है। तो 19,437 निफ्टी इशारा कर रहा है खुलेंगे, हालांकि इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम 19,230 के पास हैं, ऐसा गिफ्ट निफ्टी से लग रहा है 150-200 पॉइंट ऊपर हम खुलेंगे। तो ये हुई ओवरऑल हाल। अब समझते हैं कि सोमवार को कैसा रहने वाला है। अब देखिए जाते जाते डे निफ्टी पे डेट कैंडल को आप अगर वॉच करेंगे तो ये ट्रेड लाइन के आसपास ही क्लोजिंग दिया है। क्यों दिया है आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये देखिए ये रहा इसका ट्रेड लाइन, यहाँ पे सपोर्ट। तो सपोर्ट में ही हम बंद हुए 19,230 पे। अब डोजी कैंडल भी हम बनाए हैं। अब डोजी कैंडल जैसे कि हम पहले डिस्कस किए थे, डोजी कैंडल जब बनता है बायर और सेलर में कंफ्यूजन रहती है। तो बायर और सेलर में कंफ्यूजन रहेगी, अब गैप अप ओपनिंग होगी, जो भी बायर है वो अच्छा खासा रिटर्न में होंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है और पहला आधे घंटा वो वॉच करना है, अगर सेलिंग प्रेशर आता है तब आपको फिर मार्केट में सेल ऑन ट्राइज कर रणनीति रखना है, मार्केट में आपको बेच के चलना है। तो सेल ऑन राइज कर रणनीति रखिएगा। अगर मार्केट में ऊपरी स्तर से गिरावट आती है, पहला 15 मिनट का कैंडल देखिएगा, वहां पे अगर गिरावट दिख रही है तो आपको भी पुट साइज में पोजीशन बनानी चाहिए, यानी 19,200 के पुट में आप काम कर सकते हैं। ये हुआ पहला सिनेरियो की गैप अप अपनी होती है। गैप डाउन होने पे क्या होगी, गैप डाउन होने पे कहाँ पे होगी, गैप डाउन कहाँ पे होगी, ये जो एरिया है ये प्रीवियस डे का लो है, ये है 19,082। अगर 19,082 को भी क्रॉस करने लगता है तो मार्केट में और ज़्यादा गिरावट आ सकती है। और ये है ये जो लेवल है, ये देखिए ये जो लेवल है 19,073 का लेवल है। तो आइए हम देखते हैं, एक ट्रेड लाइन हम खींच लेते हैं और यहाँ पे खुलेगा इसकी आसार दिख रही है, तो यहाँ से हम पिक्चर यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये लेवल है 19,200 का। अगर 19,200 को तोड़ देता है नीचे की ओर, तब फिर हम 19,100 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर
19,200 को सपोर्ट करता है मार्केट और ऊपरी स्तर को और जाने लगता है, तब आप एक कॉल का बाय देख सकते हैं, कॉल के बाय पे आप पोजिशन बना सकते हैं। ये हुआ निफ्टी का बात कि गैप अप ओपन होने पे क्या करना है, गैप डाउन ओपन होने पे क्या करना है और फ्लैट होने पे क्या करना। तो फ्लैट होने पे क्या करना है इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट अगर फ्लैट होती है तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको अंदर आपके ऑथोरिटी जांच पड़ताल करेंगे और सब कुछ अच्छा रहा तब तो आपको इसमें अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो अगर मार्केट गैप ओपन होने पे क्या करना है, गैप डाउन ओपन होने पे क्या करना है, ये सारे डिस्कस किए। अब मार्केट फ्लैट ओपन होने पे क्या करना है, वहां पर भी सेम रणनीति। अगर अगर आप शॉर्ट पोजीशन में रहेंगे प्रॉफिट बनने का चांसेस रह सकता है, हालांकि सुबह ही मार्केट क्लियर हो जाएगा कि मार्केट गैप अप है या गैप डाउन है। तो ये हुआ परिरणनीति। तो कैसा लगा आपको ये जानकारी, ये निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी को समझते हैं। ये देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट हम खोल लिए हैं। बैंक निफ्टी में भी एक डोजी कैंडल बना है। अब यहाँ पे अगर डोजी कैंडल को सपोर्ट करता है, गैप अप ओपनिंग होती है और गैप अप ओपनिंग मान के लिए अब 44,000 दूर नहीं है। 44,000 के लेवल को अगर हम सपोर्ट कर देते हैं तो एक अच्छा खासा तेजी देखने को मिल सकता है। कैसा लगे जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब करो, जो होता है मिलते हैं।